अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक और आज मैं आपके लिए उर्दू टू इंग्लिश का लेसन नंबर 8 लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हम हैज़, हैव और हैड का दो तरीक़ से इस्तेमाल सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 8, जिसमें हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल सीखेंगे। हैज़, हैव का पहला तरीक से इस्तेमाल, किसी की या अपनी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हैज़ और हैव का और हैड का हम इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। और हैड का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ पास्ट ज़माने में हैड का इस्तेमाल होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पास घर है, ही हैज़ हाउस। उसके पास घर है, ही हैज़ हाउस। उसके पास पानी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ वाटर, ही हैज़ वाटर, ही हैज़ वाटर। बिल्ली के पास खाना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द कैट हैज़ फूड। बिल्ली के पास खाना है, द कैट हैज़ फूड। लड़की ने पंखा ख़रीद लिया है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द गर्ल हैज़ बॉट अ फैन, द गर्ल हैज़ बॉट अ फैन। मेरे पास घर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव हाउस, आई हैव हाउस। हमारे पास पानी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव अ वाटर, वी हैव वाटर, वी हैव वाटर। उनके पास पैसे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव मनी, दे हैव मनी, दे हैव मनी। मेरे पास जूते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव शूज, I have shoes। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सीखा कि किसी या अपनी मालकियत को जाहिर करने के लिए हैज़, हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए अब इसका दूसरा तरीक सीखते हैं कि हैज़, हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिस फिक्रे के आखिर में चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए थे वगैरह आए, तो इनके साथ हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं। और आई, वी, यू, दे के साथ प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैड का इस्तेमाल गुजरे ज़माना में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इनको एग्जांपल्स के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं। वो पैसे ले चुका है, ही हैज़ रिसीव्ड मनी, वो पैसे ले चुका है, ही हैज़ रिसीव्ड मनी। वो मैसेज पढ़ चुकी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ रीड मैसेज, शी हैज़ रीड मैसेज। वो मर चुका है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही हैज़ डाइड, ही हैज़ डाइड। लाइट ऑन हो चुकी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द लाइट हैज़ ऑन, द लाइट हैज़ ऑन। मैं कार खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट कार, आई हैव बॉट कार, आई हैव बॉट कार। हमने ख़त लिख लिया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर। वो लाहौर जा चुके हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दे हैव गॉन टू लाहौर, दे हैव गॉन टू लाहौर, दे हैव गॉन टू लाहौर। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन मील, यू हैव ईटन मील, यू हैव ईटन मील। उसके पास घर था,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही हैड हाउस। बिल्ली के पास खाना था, द कैट हैड फूड। लड़की ने पंखा खरीद लिया था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द गर्ल हैड बॉट अ फैन। वो मैसेज पढ़ चुकी थी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे She had read the message.